हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधा, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट और खस्तेदार सूजी के पापड़, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक बोल बारीक वाली सूजी ली है, ये वेट में 150 ग्राम है। तो पहले हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। तो जिस भी बर्तन में आप सूजी पकाए उसका बॉटम जो है थोड़ा सा हैवी होना चाहिए। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो एक बोल सूजी के लिए हम इसमें 4 बोल पानी डालेंगे, यानी 150 ग्राम सूजी के लिए मैंने इसमें 800 ml पानी डाला है। अब हम इसमें ये सूजी डाल देंगे। अगर सूजी आपकी थोड़ी सी मोटी है तो पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा। तो अभी गैस को मैंने ऑफ रखा है, अब हम गैस को ऑन कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। इसके बाद इसे हमें हाई फ्लेम पर इसी प्रकार से चलाते हुए पकाना है। तो फिर ये सूजी हमारी अच्छे से पकने लगी और काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है। 3 से 4 मिनट लगे अभी मुझे। तो अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे इसी प्रकार से चलाते हुए पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं सूजी हमारी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। 5 मिनट मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर और 6 से 7 मिनट मैंने लो फ्लेम पर पकाया है। तो सूजी हमारी पककर तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रख दिया था। ये अभी काफ़ी गीला है और अभी गर्म भी है थोड़ा। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। आप चाहे तो पीसी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च डालने से होता क्या है कि पापड़ का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो फिर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। हम इसे फिर से रख देंगे पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पॉलीथीन ली है, तो आप कोई भी पॉलीथीन ले सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि पापड़ बनाने में पॉलीथीन का क्या काम, ये पॉलीथीन बहुत ही काम की है। तो मैंने इसमें एक बड़ा सा होल बना लिया है। तो फिर ये सूजी जो है हमारी ठंडी हो गई है, मैंने सिर्फ 10 मिनट ही इसे पंखे के नीचे रखा था। तो चलिए अब हम इसकी लोइयां बनाते हैं। तो एक ग्लास में हम ये जो पॉलीथीन थी इस प्रकार से सेट कर देंगे और ये सूजी जो है उसमें डाल देंगे। तो उतनी ही हम सूजी डालेंगे जितनी पॉलीथीन को आप इजीली पकड़ सके। तो यहाँ मैंने पॉलीथीन को भर लिया है, इस प्रकार से पकड़ेंगे। तो चलिए हम लोई बनाते हैं। तो जिस भी प्लेट में आपको लोई रखनी हो पहले उसे थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रेस कर लें। तो चलिए अब हम लोई बनाते हैं। तो हाथ में थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे, उंगली की मदद से इस प्रकार से हमें लोई को कट करना है। पॉलीथीन को हल्का सा प्रेस करेंगे और लोई को इस प्रकार से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, लोई बनाने का ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें ऑयल भी कम लगता है। तो इस प्रकार से मैंने ये सारी लोई जो है कट कर ली। अब हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे हम चिकना कर लेंगे, जिससे हम लोग पेड़ा बनाते ना सेम उसी तरह से हमें एकदम चिकनी चिकनी लोई बनाकर तैयार करनी है। तो फ्रेंड्स, ये लोई जो है हमारी बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम पापड़ बनाते हैं। तो मैंने एक पॉलीथीन की सीट बिछा दी है, इसके ऊपर हम एक लोई रखेंगे, इसके ऊपर हम एक छोटी सी पॉलीथीन रखेंगे और इस प्रकार से इसे प्रेस कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक लकड़ी का पापड़ मेकर लिया है जो बनवाया था। आप इसकी जगह कोई प्लेट ले सकते हैं, कोई वजनदार चीज़ जिसे पापड़ को आप दबा सकते हैं। पापड़ बनाने के लिए जो मैंने छोटी सी पॉलीथीन ली है उसमें मैंने सिर्फ एक बार ऑयल लगाया था। दोबारा ऑयल लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पापड़ में ऑयल जितना कम लगेगा पापड़ आपके उतने ही अच्छे रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पापड़ हमारे सूखकर तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे पापड़ बने हैं। 2 दिन मैंने इन्हें तेज धूप में सुखाया है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो फिर ये ऑयल अभी अच्छे से गर्म नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको एक पापड़ फ्राई करके दिखा रही हूँ कि जो पापड़ है बहुत अच्छे से नहीं फूलेगा और देखने में ये बहुत ही ऑयली लगेगा। इसलिए ऑयल को आप एक बार अच्छे से गर्म कर लें। जब ऑयल अच्छे से गर्म होगा तो पापड़ भी अच्छे से फ्राई होंगे। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से फ्राई हुआ। तो पापड़ जब डालें तो कलछुल जो उसके ऊपर लगा लीजिए, जिससे ये पापड़ जो है सीधा बना रहता है। तो एक बार ऑयल को आप अच्छे से गर्म कर लें, उसके बाद फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें। ये सूजी पापड़ जो है बहुत ही हल्के होते हैं, इसीलिए बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। बस हमें इन्हें डालना और निकालना होता है। तो फिर स्वादिष्ट और खस्तेदार सूजी के पापड़ हमारे खाने के लिए रेडी है। तो फिर आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।